बढ़ती आबादी के साथ साथ आवास, अस्पताल, पुल पुलियों और अन्य निर्माण कार्यों में तेजी के कारण हर क्षेत्र में बालू की मांग बढ़ती जा रही है। मांग अधिक होने के कारण खूंटी जिले में नदियों से बालू के अवैध उत्खनन और परिवहन में भी इजाफा हो रहा है। बालू के अवैध धंधे से होने वाली भारी कमाई के कारण हर दिन कारोबार में रोज नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और बालू की ढुलाई के लिए सड़कों पर हाईवा, ट्रक आदि वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। बालू की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा बालू घाटों की नीलामी की जाती है। इसमें पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाता है, पर वास्तविकता है कि कई गुना बालू की अवैध निकासी और ढुलाई भी की जाती है। रेत की इस तस्करी में बालू माफिया को प्रशासन का पूरा पूरा संरक्षण प्राप्त होता है। जानकार बताते हैं कि रात की बात कौन कहे, दिन के उजाले में भी थाना के सामने से हर दिन दर्जनों बालू लदे हाईवा और ट्रैक्टर गुजरते हैं, पर कभी किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। सूत्रों पर भरोसा करें तो बालू की तस्करी से होने वाली कमाई में सबका हिस्सा होता है। जब कोई माफिया समय पर चढ़ावा नहीं चढ़ाता तो उसके बालू लदे वाहन को जब्त कर लिया जाता है। जिला स्तर पर कोई नया अधिकारी आता है तो बालू तस्करों के खिलाफ एक दो दिन कार्रवाई की जाती है, पर कुछ दिनों के बाद स्थिति फिर ज्यों का त्यों बन जाती है। तोरपा और रनिया प्रखंड में कारो, छाता, चिंगरजोर सहित कई नदियों से हर दिन सैकड़ों मीट्रिक टन बालू का उत्खनन किया जाता है, तो वहीं कुटी, अड़की, मुरहू और कर्रा प्रखंड में भी बालू तस्करी का धंधा हर दिन परवान चढ़ रहा है।